तो गाइज जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये मेरा एक गूगल माई बिजनेस का पेज है जैसा कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला भी मेरा एक गूगल माई बिजनेस का पेज है। जैसा कि ये दोनों जो पेज हैं ये मैंने खुद क्रिएट किए हैं। अगर आपको भी ऐसे पेजेस क्रिएट करवाने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर आकर आप मुझे मैसेज करें कि आपको गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल बनवाना है, मैं आपका प्रोफाइल बना के आपको डिलीवर डेफिनेटली कर दूंगा। बट ये पेड सर्विसेज है। अगर आपको गूगल माई बिजनेस बनवाना है तो आकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट करें। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है हाउ टू मेक अ फ्री वेबसाइट फॉर गूगल माई बिजनेस। अब जैसा कि आपको ये वाला बिजनेस नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ये एक वेबसाइट नजर आएगी। तो ये वाले जो पेज है, इस पेज से रिलेटेड इन क्लाइंट ने क्या किया, अपना वेबसाइट यहाँ पर कनेक्ट करवा लिया। बट बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या होता है, उनके पास वेबसाइट बनाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जैसा कि ये वाला पेज आपको नजर आएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको वेबसाइट नजर नहीं आएगी। तो अब अगर आपको यहाँ पर वेबसाइट कनेक्ट करनी है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं और वेबसाइट आप बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हैं, आज का वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है। आपको बस करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वाले बिजनेस के ऊपर लेकर आ गया हूँ। अब आपको करना क्या है, इस वाले बिजनेस की जो ईमेल आईडी है, जैसे कि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी नजर आ जाएगी इस वाले पेज की, तो आपको अपनी जीमेल आईडी ओपन करके रखनी है। एंड आपको मैं बताता हूँ, जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो आप उसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एडिट प्रोफाइल पर जाना होगा। एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको ऐड वेबसाइट का ये ऑप्शन मिल जाएगा, पेंसिल वाला बटन मिलेगा, आपको इस पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालना होगा। अब आप ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में कैसे बना सकते हैं, अब मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना है। गूगल पर वो ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करनी होगी जिससे आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। तो यहाँ से मैंने ईमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है और अब आपको यहाँ पर आकर गूगल में लिखना है गूगल साइट। आप गूगल साइट लिखेंगे तो गूगल आपको एक ऐसा पेज बनाने की परमिशन देता है बिल्कुल फ्री में, उसका कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर फ्री वेबसाइट बिल्डर का ये ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा। एंड इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल साइट का ये वाला पेज आपको नजर आएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो आपको एक आर्टिकल पूरा कंप्लीट नजर आएगा। आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं बट मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। सो आपको यहाँ पर ये site.google.com ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक करना होगा। एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। एंड यहां पर आपको टॉप पे नजर आएगा site.google.com। अब यहां पर आपको ईमेल आईडी वही वाली सिलेक्ट करनी होगी जिससे आपका गूगल माई बिजनेस बना हुआ है। सो यहां से हम वाला ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से गॉट इट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा ये वाला पेज अब आपके सामने ओपन हो गया है। अब आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां टॉप पर टेम्पलेट नजर आएंगे, आपको इस टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा। अब यहां से आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स नजर आ जाएंगे। अब जैसे कि आपको यहां पर ये एजुकेशन का टेम्पलेट है, वेडिंग का टेम्पलेट है और आपको यहां पर काफी सारे टेम्पलेट्स नजर आ रहे होंगे। स्टूडेंट पोर्टफोलियो, क्लब का, क्लासेस का, प्रोफेशनल, आपको यहां से टेम्पलेट नजर आएगा। सो हमारा ये वाला जो बिजनेस है वो है मार्बल्स एंड टाइल्स का बिजनेस है जैसे कि। तो यहां से आपको इससे मिलता जुलता एक टेम्पलेट चूज करना होगा। अगर आप इन सारे टेम्पलेट्स को देख के ये आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट टेम्पलेट नहीं है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक साइट ले सकते हैं इस पर क्लिक करके। बट मैं एग्जांपल के लिए यहां से एक टेम्पलेट ले लेता हूं जो मुझे परफेक्ट लगता है। जैसे कि ये वाला टेम्पलेट है, ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इस वाले टेम्पलेट को यहां से चूज कर लेता हूं और इस पर आपको जस्ट एक क्लिक करना होगा। अब यहां से ये क्लिक हो गया है, अब आपको इसके अंदर सारी चीज आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि टॉप पर ये नाम लिखा हुआ है, सो हम इस नाम को चेंज कर सकते हैं। नाम हमें क्या लिखना है,
हमें यहाँ पर नाम अपना ये वाला डालना है। सो हमें इसमें जाकर इस पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। इतना करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ से सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर अगर ये सारे बटन चेंज करने हैं तो ये सारे बटन भी आप वन बाय वन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड आपको नीचे सारी डिटेल चेंज करनी है सो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर जैसे कि ये है सो हम इसको डिलीट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर अपना पूरा कंटेंट लिखेंगे मार्बल्स एंड टाइल्स। मार्बल एंड टाइल्स इस तरीके से आपको लिखना है। एंड आपको नीचे चेंजेस करने हैं, यहाँ पर चेंजेस करने हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन में आपको अपने गूगल माई बिजनेस पर आना है। यहाँ पर हमारी डिस्क्रिप्शन जो भी अवेलेबल है वो डिस्क्रिप्शन आपको यहां से कॉपी कर लेनी है। इस तरीके से आ जाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर एंड यहां से आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके यहां पर इस तरीके से पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहां से ये ट्विटर का बटन नजर आएगा, लिंक्डइन का बटन नजर आएगा, इंस्टाग्राम का नजर आएगा। सो आपको इन बटन्स पर जो भी क्लिक्स लगाने हैं, यानी कि इस पर अगर क्लिक कोई करता है सो वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाए पेज पे। सो एग्जांपल के लिए जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर क्लिक करना एंड देन आपको ये एडिट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप ये तीनों लिंक ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपका पेज है वो आप यहाँ से ऐड करके यहाँ से अपडेट कर देना। एंड इसमें अगर आप और भी बटन्स ऐड करना चाहते हैं जैसे कि फेसबुक, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नीचे आना है, ये बटन का ऑप्शन मिलेगा, आपको बटन के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपको बटन का नाम लिखना है और आप लिंक ऐड कर देना एंड इसके बाद आप यहाँ से इंसर्ट इसको कर देना। सो आपका बटन यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको ये जो पेजेस हैं इन पेजेस के अंदर अगर आपको ऑफिस आवर्स ये सब अगर चेंज करना है सो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप ऑफिस आवर्स पर जब हमने क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से। फिर आप इसमें भी सारे चेंजेस कर सकते हैं अपने बिजनेस की टाइमिंग के हिसाब से, सारी टाइमिंग आप इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। सब कुछ इसमें टोटली आप एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपके लिए। और अगर आप ऊपर के ये बटन्स चेंज करना चाहते हैं, अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं सो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इस पेज को पब्लिश कर देना है, ये पब्लिश का बटन आपको नजर आएगा एंड फिर आपको यहाँ पर अपना वेब एड्रेस डालना होगा। सो वेब एड्रेस आपको मिलता जुलता आपकी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से मिलता जुलता होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इस वाले को मैं हटा देता हूँ एक बार क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। सो अब यहाँ से ये अवेलेबल हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं और जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे तो आपकी साइट जो है वो लाइव हो जाएगी। फिर आप उसको व्यू भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब हम यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा आपको और ये पेजेस आपके नजर आ जाएंगे। आपको बायो में आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस ये सब आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसका जो मेन पेज है उसको ओपन कर लेते हैं, जिसको हम होम पेज बोलते हैं। सो ये हमारे पास है होम पेज। अब आपको ये जो टॉप पर लिंक है, इस लिंक को आपको कॉपी करना होगा और इसको कॉपी करने के बाद आप आ जाना अपने गूगल माई बिजनेस पर एंड उसके बाद आप यहाँ से इसको एडिट पर क्लिक करना और एडिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना, वेबसाइट पर जाना, वेबसाइट पर एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें आप इसको पेस्ट कर देना इस तरीके से। फिर यहाँ से आप इसको सेव कर देना। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये इस तरीके से पेंडिंग आएगा और यहाँ से ये 10 मिनट के अंदर में यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। अब जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपका लिंक यहाँ पर, यानी कि आपकी वेबसाइट ये कनेक्ट हो गई। फिर इस लिंक पर कोई भी अगर क्लिक करता है तो वो आ जाएगा इस वाले पेज पर। अब यहाँ से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नजर आएगी। अब इसके अंदर कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं सो वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं यहाँ पे जाके। सो इसका नाम मैं एक बार चेंज कर देता हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा मार्बल्स एंड टाइल्स हाउस, तो यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देते हैं और ये यहाँ से पब्लिश हो जाएगा। गॉट इट पर क्लिक कर देना एंड इसके बाद आप यहां से इसे पब्लिश कर देना। तो ये पब्लिश हो गया, अब आप इसको व्यू कर लेना। तो ये यहां से चेंज हो गया आपके सामने। आप ऊपर का इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड चेक करना चाहते हैं, जो भी डिटेल आप यहां से चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नीचे आपको कॉन्टेक्ट वगैरह नजर आएगा सो आप वो सारी डिटेल भी इजिली चेंज यहां से कर सकते हैं। जैसे कि ये एडिट फुटर का ऑप्शन मिलेगा, आप एडिट फुटर पे चले जाना एंड उसके बाद आप यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस चेक
ऐड करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी यहां से ऐड करके दिखा देता हूं। तो ये हमारी ईमेल आईडी है, हम इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से अपने फुटर के ऊपर जो हम एडिट कर रहे थे, तो यहां से एडिट फुटर पर क्लिक कर लेना इस तरीके से, एंड यहां से आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पर इजीली ऐड कर सकते हैं। यहां से मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूं, तो ये हमारा ईमेल एड्रेस यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। और बाकी डिटेल्स भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसमें तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो दोनों जगह पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूं इस तरीके से। तो आप अपना सारा कुछ डिटेल जो भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, ऑफिस नंबर, ये सब भी यहां से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां से इसे पब्लिश कर देना, तो जो जो भी डिटेल है आपकी वो सारी आप इसमें चेंजेस करके पब्लिश इसको कर देना। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे फिर आप यहां से रिफ्रेश करके चेक कर लेना कि आपकी डिटेल्स नीचे ऐड हुई है या नहीं। तो यहाँ पर आप आ जाना इस तरीके से, और मैं इसको आपको व्यू करके दिखाता हूँ कि नीचे की डिटेल चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो व्यू साइट पर क्लिक कर लेते हैं, व्यू साइट पर क्लिक किया, अब हम इस पर आ जाते हैं होम पेज पर, नीचे आते हैं तो नीचे आपको ये नजर आएगा ईमेल आईडी हमारी यहाँ से चेंज हो चुकी है। तो कॉन्टेक्ट नंबर भी आप कर लेना, ऑफिस की डिटेल अगर आपको चेंज करनी है तो वो भी कर लेना, बाकी आपको यहाँ पर लिंक लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी ये फोटो भी चेंज करनी है तो ये भी आप फोटोज इजिली चेंज हो जाएगी। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल पर अगर आपको फ्री में वेबसाइट बनाकर ऐड करनी है तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई भी डोमेन का खर्चा नहीं उठाना होगा, इसमें कोई भी आपको होस्टिंग का खर्चा नहीं उठाना होगा, कोई भी आपको SSL सर्टिफिकेट या वेबसाइट बनाने में जितना भी खर्चा होता है वो आपको कुछ भी इसके अंदर नहीं देना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गूगल प्रोवाइड करवाता है अपनी खुद की एक फ्री वेबसाइट बनाने के लिए। और अगर आप गूगल माई बिजनेस पर ही वर्क करते हैं सो आप इस तरीके से इजिली वेबसाइट बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं सो आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी अर्न मनी ऑनलाइन बाय बॉक्सफुट। इस पर वो सारे पॉसिबल तरीके मैंने शेयर किए हुए हैं जिनसे आज की डेट में ऑनलाइन अर्निंग करना पॉसिबल है। और अगर आप वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी अगर आपको मेरे पेड कोर्सेस बिल्कुल फ्री में चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, आप मेरे पेड कोर्सेस बिल्कुल फ्री में यहाँ से जाकर देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।